शहराज और मैं सुनाने वाला हूँ एक कहानी, काका और मुन्नी। पंजाब के किसी गांव में गेहूं के खेत के बगल में एक गुलमोहर के पेड़ पर मुन्नी गौरैया अपने तीन छोटे छोटे अनमोल छोटे छोटे अंडों की निगरानी करती बैठी थी। असर कुलाल फूको देखती खुश हो रही थी कि तभी ऊपर की डाल पर एक काला साया दिखा। वह गांव का लफंगा काका कौआ था। मुन्नी घबरा कर चीं चीं करने लगी। अरे हट, मैं तेरे अंडे खाने आया हूँ, वह चहक कर बोला। मुन्नी समझदार वो गौरैया थी, वह झटपट बोली, काका किसी की क्या मजाल कि तुम्हारी बात ना माने, लेकिन मेरी एक विनती है, मेरे अंडों को खाने से पहले तुम जरा अपनी चोंच धोआओ, यह तो बहुत गंदी लग रही है। काका खुद को बहुत बाका समझता था, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी कि वह साफ सुथरा नहीं दिख रहा। वह झटपट पानी की धारा के पास पहुंचा। वह धारा में अपनी चोट डुबो ही रहा था कि धारा जोर से चीखा, ओए काका, अगर तुमने अपनी गंदी चोट मुझ में डुबोई तो मेरा सारा पानी गंदा हो जाएगा। तुम एक कसूरा ले आओ जिसमें उसमें पानी भर कर तुम उसी में अपनी चोंच धो लो। अब काका गांव के कुमार के पास पहुंचा और बोला, अजीयो कुमार प्यारे, काका आया पास तुम्हारी, एक कसूरा तुम बनाओ जिसमें मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूं मुन्नी के अंडे और काऊ काऊ चिल्लाऊं ताकि सभी सुने और यह जान जाए कि मैं हूँ सबसे बाका, सबसे छेला कौवा। मैं तो बड़ी खुशी से तुम्हारे लिए कसौरा मनाऊं, लेकिन उसके मुझे मिट्टी की जरूरत है, तुम जरा फटाफट मिट्टी ले आओ। अब काका जंगल में जा पहुंचा। अब तुम्हें मजा आएगा। अब काका जंगल में जा पहुंचा, उसे वहां नुकीलो सींग वाला हिरन दिखा। वह उससे के पास गया। हिरन प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, अपना सींग मुझे दे दो जिससे थोड़ी मिट्टी खोदूं, मिट्टी कुम्हार को दे दूं जिससे मनाए वो कसूरा जिसमें मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूं मुन्नी के अंडे और काऊ काऊ चिल्लाऊं ताकि सभी सुने और ये जान जाए कि मैं हूँ सबसे बाका, सबसे छेड़ा कौवा। अरे हिरन चिरकर बोला, अरे अकलमंद की पूछ जरा ये बता तो सही, जब तक मैं जिंदा हूँ तू मेरा सींग कैसे ले सकता है? उसे तो खतरनाक से कुत्ते दिखे। वह उनके पास गया और उनकी खुशामद करने लगा। अजीयो कुत्ते प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, आज तुम्हें दावत खिलाऊं, मोटा ताजा हिरन दिखाऊं, बस सींग उसका मैं ले लूंगा जिससे थोड़ी मिट्टी खोदूंगा, मिट्टी कुम्हार को दे दूंगा जिससे मनाए वो कसोरा जिसमें मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूं मुन्नी के अंडे
और काउ काउ चुनाम, ताकि सभी सुने और जो जान जाए कि मैं हूँ सबसे बाका सबसे छेला कौआ। इतनी गर्मी में तो ये बहुत कड़ा काम है। हिरण मारने के लिए हमें ताकत चाहिए। जाओ थोड़ा दूध ले आओ, फिर सोचते। अब काका भूसा खा कर जुगाली कर रही भैंस के पास पहुंचा। बोला, नमस्ते भैंस दीदी प्यारी, नमस्ते भैंस दीदी प्यारी, काका शरण तुम्हारी, मुझको दे दो थोड़ा दूध कुत्तों को पिलाने के लिए। कुत्तों की मुझे मदद चाहिए हिरण को मारने के लिए। बस सींग उसका मैं ले लूँगा, जिससे थोड़ी मिट्टी खोदूँगा, मिट्टी कुम्हार को दे दूँगा, जिससे मनाई हुई कसोरा जिसमें मैं पानी भर लाऊँ, अपनी गंदी चोंच धुलाऊँ, फिर खा लूँ मुन्नी के अंडे और काऊ काऊ चिल्लाऊँ, ताकि सभी सुने और ये जान पाए कि मैं हूँ सबसे बाका सबसे छेला कौआ। खूब पुआल खाकर दूध कहाँ से दूंगा, थोड़ी रसीली घास खाने को मिल जाए तो मैं जरूर तुम्हें दूध दे दूँ। अब काका उगी घास के ऊपर मंडराया और बोला, बहनों मेरी घास प्यारी, काका आया शरण तुम्हारी, चलो जरा तुम साथ मेरे, भैंस बेचारी है दुखियारी, भूसा खा खा सूख गई है, मुझे उसका दूध चाहिए कुत्तों को पिलाने के लिए। कुत्तों की मुझे मदद चाहिए हिरण को मारने के लिए। बस सींग उसका मैं ले लूँगा, जिससे थोड़ी मिट्टी खोदूँगा, मिट्टी कुम्हार को दे दूँगा, जिससे मनाए वो एक कसोरा जिसमें मैं पानी भर लाऊँ, अपनी गंदी चोंच धुलाऊँ, फिर खा लूँ मुन्नी के अंडे और काऊ काऊ चिल्लाऊँ, ताकि सभी सुने और ये जान पाए कि मैं हूँ सबसे बाका सबसे छेला कौआ। लेकिन तुम मुझे काटोगी कैसे, पहले घास फुस फुसाई, पहले लोहार से हसियत ले आओ। अब काका गांव के लोहार के पास गया। अजी ओ लोहार प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, मुझको दे दो हसिया घास काट सकूं, जिससे और भूखी भैंस को खिलाऊं, फिर मुझे उसका दूध चाहिए कुत्तों को पिलाने के लिए। कुत्तों की मुझे मदद चाहिए हिरण को मारने के लिए। बस सींग उसका मैं ले लूँगा, जिससे थोड़ी मिट्टी खोदूँगा, मिट्टी कुम्हार को दे दूँगा, जिससे मनाए हुई कसोरा जिसमें मैं पानी भर लाऊँ, अपनी गंदी चोंच धुलाऊँ, फिर खा लूँ मुन्नी के अंडे और काऊ काऊ चिल्लाऊँ, ताकि सभी सुने और जान पाए कि मैं हूँ सबसे बाका सबसे छेला कौआ। बाकी सबके तरह लोहार भी मुन्नी के अंडों बचाना चाहता था। अब वह बोला, अभी मनाता हूँ हसिया, तुम जरा पीछे जाकर भट्टी का दरवाजा खोल कर इस लोहे के टुकड़े को रख दो, तभी हवा का तेज झोंका आया, काका भट्टी के कोयलों पर उड़
उल्टा जा गिरा, उसकी पूंछ जल गई, पूंछ की आग बुझाता काका चीखा, हाय मेरा पंजा जरिया। पंजाबी में इसका मतलब हाय मेरी पूंछ जल गई। घमंडी काका नहीं चाहता था कि लोग जान जाए कि उसकी पूंछ जल गई। वह वहां से पंजाब के ही गांव में उड़ गया बहुत दूर। थैंक यू।